नेक्स्ट है, इसके बाद नेक्स्ट है रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग्स एंड प्लेबैक वुड बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर विच टाइप ऑफ ट्रेनिंग. रोल प्ले एक्सरसाइजेस यूजिंग वीडियो रिकॉर्डिंग एंड प्लेबैक्स. ओके, तो किस स्किल को सिखाने के लिए सबसे बेस्ट हो सकता है? सारा रेगुलेशन एंड कंप्लायंस, बिल्कुल ठीक है, ये भी नहीं हो सकता. ए और सी तो नहीं है. ओके, एक गेस करें कोई भी जो कर रहा है, गेस करो कोई मसला नहीं. ए और सी तो नहीं है, तो बिल्कुल ठीक है, ए और सी तो नहीं हो सकता. ऑप्शन बी ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेसेस और प्रोसीजर्स. एल्सा डी, डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग स्किल्स. बेसिकली जैसे सारा ने आइडेंटिफाई किया कि ए नहीं हो सकता टेक्निकल नॉलेज, तो इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स होंगे तो वो भी तो उतना ही टेक्निकल नॉलेज ही है. टेक्निकल नॉलेज क्या होती है? इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेस और प्रोसीजर्स. आपने कोई न्यू प्रोसीजर अडॉप्ट किया है, उसके बारे में आप ट्रेनिंग देना चाह रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसके लिए ठीक है आप शायद वीडियो रिकॉर्डिंग यूज कर सकते हो, बट रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस वहाँ पर नहीं होगी. न्यू प्रोसेस हैज नथिंग टू डू विद द रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस. रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस क्या है कि आप दो तीन बंदे बैठे होंगे, एक बंदा कस्टमर बन जाएगा, एक बंदा जो है वो सप्लायर बन जाएगा, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन या कन्वर्सेशन सुनाई जाएगी. तो ये क्या है? रोल प्लेइंग एक्सरसाइज है. तो ऐसी एक्सरसाइजेस डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग स्किल्स के लिए ही आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको अपने जो सेल्स स्टाफ होता है उनको सिखाना होता है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, जब आप कस्टमर से मिल रहे हैं तो कौन से सेंटेंसेज आपको उनके अटेंशन गेन करने के लिए बोलने चाहिए, आपके जेस्चर्स, आपके एक्सप्रेशंस कौन से होने चाहिए. तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग स्किल्स के लिए ही हो सकता है. अगर सारा ने ए आइडेंटिफाई कर लिया कि टेक्निकल नॉलेज नहीं हो सकता, तो बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोसेसेस और प्रोसीजर दिस इज अ टाइप ऑफ टेक्निकल नॉलेज. सो डेवलपमेंट ऑफ सेलिंग स्किल्स जो है बिल्कुल ठीक है. यहां तक क्लियर है? रोल प्ले में एक बंदा होना चाहिए, मल्टीपल लोग होने चाहिए? आई डोंट थिंक कि रोल प्ले अकेला बंदा कर सकता है. क्योंकि वो जो जैसे रोल प्लेइंग एक्सरसाइजेस की बात हो रही है ना, तो रोल प्लेइंग तो ऑब्वियसली अकेला बंदा तो नहीं कर सकता ना. वो आप ठीक कह रही हो कि जैसे वो स्टीवर्ड्स होती हैं फॉर एग्जांपल, तो वो पूरा इशारे करके बताती हैं, लेकिन वो तो रोल प्ले वहाँ पे नहीं हो रहा होता ना. दो तीन बंदे मिलके अगर पूरी इमरजेंसी ड्रिल करके दिखाएं तो वो रोल प्ले हो सकता है, ठीक है, बट एक बंदा अकेला अगर कर रहा है तो वो रोल प्ले नहीं है. आई थिंक यही रीज़न हो सकता है. ओके, यहाँ तक क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है रिनाटा है. ओके, पहले रिक्वायरमेंट देख लेते हैं. विच टू कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन इन रिलेशन टू रिनाटास लीडरशिप स्टाइल? लीडरशिप स्टाइल का क्वेश्चन है. ओके, रिनाटा हैज अटेंडेड अ लीडरशिप डेवलपमेंट कोर्स इन विच शी एक्सपीरियंस अ सेल्फ एनालिसिस एक्सरसाइज यूजिंग द ब्लेक एंड माउंटेन मैनेजीरियल ग्रेड. ओके, नाम भी बताया हुआ है, ऑथर का नाम भी बताया हुआ है, मॉडल का नाम भी बताया हुआ है. द कोर्स लीडर इन्फॉर्म्ड हर दैट द रिजल्ट्स सजेस्टेड दैट रिनाटा डिमॉन्स्ट्रेटेड अ 9.1 लीडरशिप स्टाइल. तो उन्होंने वो नंबर्स यूज किए हुए हैं ग्राफ के. सो 9.1 लीडरशिप स्टाइल कौन सा होता है? विच टू कंक्लूजन्स मे बी ड्रॉन इन रिलेशन टू रिनाटास लीडरशिप स्टाइल? अच्छा, पहले ये डिसाइड करना है कि 9.1 लीडरशिप स्टाइल कौन सा है उस ग्राफ में, जिसको हम कहते हैं माउंटेन मैनेजरियल ग्रेड, ब्लैक एंड माउंटेन. सो 9.1 कौन सा हो सकता है? जी सारा, जो ऊपर था या नीचे था? अपर कॉर्नर राइट साइड वाला जो है वो तो 9.9 होगा ना, क्योंकि उसमें बेसिकली मैनेजरियल ग्रेड क्या होता है, मैनेजरियल ग्रेड के दो एक्सिस होते हैं. एक्स एक्सिस पे आप करते हैं लेट्स सपोज पीपल फोकस या टास्क फोकस कर लेते हैं, कोई भी एक कर लेते हैं, और जो वाई एक्सिस है उस पर आप कर लेते हैं लेट्स से पीपल फोकस, और एक्स एक्सिस पे आप कर लेते हैं टास्क फोकस. अब जो आप कह रही हैं कि टॉप में जो राइट ग्रिड होगा वो तो 9.9 होगा, क्योंकि वहां पर पीपल फोकस भी मैक्सिमम होगा और टास्क फोकस भी मैक्सिमम होगा. अब ये यहाँ पे लिखा है 9.1, अगर x एक्सिस पे हमने लेट सपोज टास्क फोकस, वैसे क्या था मॉडल में जब हमने पढ़ा था, टास्क था x एक्सिस पे या पीपल था? x एक्सिस पे क्या था? कंसर्न फॉर प्रोडक्शन. ओके, सो x ठीक हो गया, जो x एक्सिस है वो टास्क फोकस है और जो y एक्सिस है वहां पर हम पीपल फोकस बेसिकली रखते हैं कि वो कंसर्न फॉर पीपल मोर है, x एक्सिस पे कंसर्न फॉर टास्क मोर है. अच्छा, तो अब 9.1 का क्या मतलब है? 9 का मतलब ये कि x एक्सिस वाला 9 पहला आ रहा है, तो x एक्सिस वाला जो है वो मैक्सिमम होगा,
ठीक है, वो 9 होगा, मतलब ये टास्क ओरिएंटेड बनता है. और अगर ये 1 है जो 0.1 है, तो ये सेकंड वेरिएबल वाई की बात हो रही है, वाई जो है 1 पे है, मतलब पीपल फोकस 1 पे है. तो ये 9.1 ऐसा लीडरशिप स्टाइल होगा जो बहुत ज़्यादा टास्क फोकस होगा और उसका कंसर्न लोगों के लिए बहुत ज़्यादा कम होगा. ये है 9.1 लीडरशिप स्टाइल. एग्री विद दिस? अच्छा, 1.1 का जो ऑपोजिट होगा ना, वो टॉप राइट कॉर्नर पे, वो होगा बेसिकली 9.9. क्यों? क्योंकि वो 100% टास्क फोकस है, 100% पीपल फोकस है. तो वो टीम बिल्डिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसमें, ठीक है, वो कि वो चैलेंजिंग काम लेंगे बट लोग, बिल्कुल, वो मिलजुल के काम लेंगे और चैलेंजिंग टास्क करेंगे बेसिकली. तो 1.1 का ऑपोजिट 9.9 है, यहाँ बात हो रही है 9.1 की. ओके, सो एल्सा कौन सा ठीक हो सकते हैं, कौन से दो? एंड डी, शी इज हाईली फोकस ऑन अचीविंग द, बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि यहाँ पर 9.1 है. सो टास्क फोकस बहुत ज़्यादा होगा, हिटलर वाली अप्रोच कह सकते हैं इसको, कि टास्क फोकस जो है वो बहुत ज़्यादा होगा, 9 होगा, और जो पीपल फोकस होगा वो 1 होगा. अगर 9.9 होता तो फिर टीम वाली बात वहाँ पे आ जाती, ठीक है. और अगर 1.9 होता तो फिर क्या होता? टास्क फोकस कम होता और पीपल फोकस ज़्यादा होता. वेरी गुड. तो 1.9 को बेसिकली हम कह सकते हैं कंट्री क्लब मैनेजर, वही नेम आई थिंक उसका. ठीक हो गया. ओके, सो बी एंड डी जो है बिल्कुल ठीक है. यहाँ तक क्लियर है? शी मैक्सिमाइजेज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ हर टीम, शी बैलेंसेज द नीड्स ऑफ द टीम विद द नीड टू कंप्लीट. नहीं, ये जो है 9.9 की करेक्टर यू सी है, ये तो प्योरली 9.9 की करेक्टरिस्टिक्स है. ओके, शी मैक्सिमाइज, यस, बट यहाँ पर टीम का वर्ड यूज हो रहा है, टीम भी 9.9 में ही आता है. वो जो होता है टीम का क्या मतलब है, कि लोगों को मिला के आप चैलेंजिंग टास्क अचीव करने की कोशिश करते हो, तो टास्क फोकस भी हो और पीपल फोकस भी हो, तो 9.9 आता है बेसिकली. जो 1.9 है वहां पर वो टास्क फोकस तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, सिर्फ पीपल फोकस है, जो लोगों ने कह दिया बस ठीक है, तो कंट्री क्लब मैनेजर वाली बात है. सो अगर ऑप्शन दिया होता लेट्स से 1.9 का, और हमारे पास यही चार ऑप्शंस होते, तो यस, हम ए को ही सेलेक्ट करते, ओनली ए को. ओके, यहां तक क्लियर है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ बजटरी कंट्रोल सिस्टम इन अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इंटरनल ऑडिटर, ट्रू और फॉल्स? सारा ये ऑब्वियसली फाइनेंस डिपार्टमेंट या मैनेजमेंट का काम है, ये इंटरनल ऑडिटर का काम नहीं है. बट अगर, क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बजटरी कंट्रोल सिस्टम की बात हो रही है ना, बजट को इम्प्लीमेंट करना वो मैनेजर्स का काम है, या अपने अपने जो डिपार्टमेंट के हेड्स होंगे उन्होंने अपना अपना बजट इम्प्लीमेंट करना होगा. लेकिन जो बजटरी कंट्रोल सिस्टम का रिव्यू होगा फ्रीक्वेंट बेसिस पे या एडहॉक बेसिस पे या रेगुलर बेसिस पे, वो इंटरनल ऑडिटर का काम बिल्कुल होगा. बजट को इम्प्लीमेंट करना जो है इंटरनल ऑडिटर का काम कभी भी नहीं होता. क्लियर विद दिस? जी, बिल्कुल. तो कंट्रोल सिस्टम भी कौन करेगा? डिपार्टमेंट का हेड ही करेगा ना, या डायरेक्टर करेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो बजट है, वहाँ का अगर आपने कंट्रोल सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है, तो वो जो प्रोडक्शन का हेड होगा या प्रोडक्शन डायरेक्टर होगा वही करेगा, मार्केटिंग में मार्केटिंग डायरेक्टर करेगा, फाइनेंस में CFO करेगा. तो इम्प्लीमेंटेशन करना तो बेसिकली एग्जेक्टिव्स का जॉब है बेसिकली. क्लियर विद दिस? ओके, अब ये अगर क्वेश्चन पूछ लेते कि बजटरी कंट्रोल सिस्टम बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बनाना जो है वो इंटरनल ऑडिटर की है और रिव्यू भी इंटरनल ऑडिटर का है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. क्लियर विद दिस सारा? नेक्स्ट, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर रोल्स ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिटर? अब एक्सटर्नल ऑडिटर के रोल्स, दो रोल्स का पूछ रहा है. जी सारा, सेकेंड वाला बिल्कुल ठीक है. ए एंड बी जो है ये दोनों ठीक है. अच्छा, यहाँ पर ये थर्ड वन थोड़ा सा ट्रिकी है. कंफर्मिंग दैट देयर आर अप्रोप्रिएट पॉलिसीज फॉर प्रिवेंटिंग एंड डिटेक्टिंग फ्रॉड. इन पॉलिसीज को हम कहते हैं क्या है? इनको हम कहते हैं इंटरनल कंट्रोल्स. इंटरनल कंट्रोल्स का मकसद ये होता है कि वो फ्रॉड को प्रिवेंट भी करते हैं और डिटेक्ट भी करते हैं. इंटरनल कंट्रोल्स बनाना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? मैनेजमेंट. ओके, या थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दो, मैनेजमेंट में किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि इंटरनल ऑडिटर भी मैनेजमेंट का पार्ट है, डायरेक्टर्स भी मैनेजमेंट का पार्ट है.
डायरेक्टर्स, एग्जैक्टली. इंटरनल कंट्रोल्स बनाना हमेशा डायरेक्टर्स की प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट इन रियल लाइफ, ये प्रैक्टिकल लाइफ, डायरेक्टर्स ये खुद नहीं कर रहे होते, तो ये उसको डेलीगेट कर देते हैं. कभी इंटरनल ऑडिटर्स को डेलीगेट कर देते हैं, या सीनियर मैनेजर्स को डेलीगेट कर देते हैं, वो इसको बनाते हैं, या रिस्क कमेटी को ये टास्क असाइन कर देते हैं कि रिस्क कमेटी ने डिसाइड करना है कि कौन इंटरनल कंट्रोल्स बनाएगा, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हमेशा डायरेक्टर्स की ही होती है. यहाँ तक क्लियर है? ओके. इसके बाद नेक्स्ट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स मस्ट डिमॉन्स्ट्रेट इंटेग्रिटी एट ऑल टाइम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ इंटेग्रिटी? इंटेग्रिटी का कौन सा जो है सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन हो सकता है? वेरी गुड. सी जो है ये करेक्ट है. अप्लाइंग कंसिस्टेंटली हाई मॉरल वैल्यूज, ऑनेस्टी, एग्जैक्टली, प्रोबिटी या ऑनेस्टी, कि अपनी बिजनेस डीलिंग में स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक, स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं बल्कि ऑनेस्ट होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, एथिकल डिसीजंस लेने चाहिए, तो मॉरल वैल्यूज़ की बेसिकली बात हो रही है. ए जो है ये इसलिए, बी तो बिल्कुल गलत है, और ए जो है इसलिए गलत है कि ये ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन है. यहाँ तक क्लियर है?